न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो मातृभाषा के ऊपर जोर दिया गया है। हमारे भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मानना ये है कि मातृभाषा, माँ और मातृभूमि, ये तीनों ऐसी हैं कि अगर ईश्वर के बाद अगर किसी कोई पूजनीय है तो ये तीन चीज़ें पूजनीय हैं। और उनका ये भी मानना है कि हिंदू दुनिया का कोई भी देश, डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री, अगर माँ मातृभाषा और मातृभूमि की अगर इज्जत नहीं करता है तो वो कभी आगे जा नहीं सकता है वो मुल्क। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाए। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी जो परंपरा है, जो यहाँ की तहजीब है, वो ये है कि गुरु और शिष्य के बीच जो रिश्ता होता था वो बहुत पवित्र रिश्ता होता था। गुरु का पांव, ये शिष्य जो है वो भगवान से पहले गुरु का पांव छूना चाहते थे। तो इसलिए भारत सरकार ऐसा प्रोविज़न करने जा रही है कि गुरुओं को भी शिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और ऐसा गुरु बनाने के लिए उनके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज चलाएगी कि ताकि वो इस लायक बने कि हर शिष्य उनका पांव छुए और उनको भगवान के रूप में उनको देखे। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो सदियों पुरानी हमारी परंपरा है उसको पुनर्जागृत करना है और हमें वेस्टर्न के बजाय ईस्टर्न कंट्रीज की जो खूबियां हैं उसे हमें अपनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि जो सीधे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद वो रोज़गार से जोड़ देगी। कोई भी आदमी बेरोज़गार नहीं रहेगा इसको पढ़ने के बाद। जो स्किल डेवलपमेंट की जो मुहिम चली हुई है हिंदुस्तान में, तो ये इस तमाम एजुकेशन के अंदर एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ने की बातचीत की जा रही है। तो हम तमाम इंस्टीट्यूशन के हेड से ये कहना चाहते हैं कि ऐसा वो प्रावधान करें कि उनके